अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हियर इज़ योर एसएसटी टीचर मिस सबा कामरान। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। नाउ वी स्टार्ट आवर न्यू टर्म एंड वी स्टार्ट आवर न्यू टर्म्स फर्स्ट लेसन, लेसन नंबर 4। ठीक है, टॉपिक है इसका लैंडफॉर्म्स। अ लैंडफॉर्म इज़ अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन्स आर ऑल डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, फीचर्स का मतलब है खदोहाल। एक लैंड फॉर्म जो है वो सतह ज़मीन के कुदरती खदोहाल को कहते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़, वादियाँ, मुर्तफा, सहरा और मैदान, ये तमाम मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स हैं। यानी सतह ज़मीन की किस्म को जो है हम उसे कुदरती खदोहाल को क्या कहते हैं हम, लैंड फॉर्म्स। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स, ज़मीन चारों पर मुश्तमिल है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ज़मीन की वो क्रस्ट कहलाती है। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज मूविंग पीसीज ऑफ रॉक कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। जो क्रस्ट है ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों जो कि हर वक्त स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं पर मुश्तमिल है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो कि मुसलसल हरकत कर रही हैं। द पॉइंट वेयर टू प्लेट्स मीट इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री, वो नुक्ता जहाँ दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं वो बाउंड्री कहलाता है। एंड इट इज़ हियर दैट अर्थक्वेक्स एंड वुलकैनोज आर मोस्टली लाइकली टू अकर, और ये वो नुक्ता है जहाँ मोस्टली जलजले और वुलकैनोज जो हैं वो रूनमा होते हैं। एंड अर्थक्वेक कैन आल्सो कॉज अ त्सुनामी, एक जलजला जो है त्सुनामी का भी बायस बन सकता है। त्सुनामी इज़ अ ह्यूज टिडल वेव, एक त्सुनामी बहुत बड़ी जो है वो समंदरी लहर होती है। कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, जो कि जलजले की वजह से पैदा होती है। अंडर द ओशन, सतह समंदर के नीचे। ओवर टाइम द कंटीन्यूअस शिफ्ट्स ऑफ दीज प्लेट्स अलर्ट्स एग्जिस्टिंग लैंड फॉर्म्स एंड क्रिएट्स न्यू फॉर्म्स। इन प्लेट्स की मुसलसल हरकत की वजह से सतह ज़मीन में बहुत सी लैंड फॉर्म्स गायब होती जा रही हैं और बहुत सी न्यू जो है वो क्रिएट्स तख्लीक होती जा रही हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, 200 मिलियन ईयर्स अगो ऑल ऑफ द 7 कॉन्टीनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर ज्वाइन टूगेदर, ज़मीन के सातों बराए आज़म बिल्कुल इकट्ठे थे, आपस में मिले हुए थे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे है ग्रेजुअली ड्रिफ्टेड अपार्ट, लेकिन करोड़ों साल पहले आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुदा होते चले गए। ठीक है, इसी तरह से हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी, जो ज़मीन की आउटर मोस्ट लेयर है वो रॉक्स के बड़े बड़े पीसीस, क्रस्ट रॉक के बड़े बड़े पीसीस पर मुश्तमिल है, और ये बड़े बड़े पीसीस टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। ये मुसलसल स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं और जो ये मूव करते करते एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके टकराने के इस पॉइंट पर जो है वो अर्थक्वेक्स, वुलकैनोज जो है वो रूनमा होते हैं, और जब ये वुलकैनोज सतह समंदर के नीचे आते हैं तो ये बड़े बड़े त्सुनामी का भी बायस बनते हैं। ठीक है,